विदाउट भांग, होली में ठंडाई तो बनती है एंड गर्मी में ठंडाई आपके डाइजेशन को बेटर करती है, आपके सर्दी जुकाम को होने से बचाती है एंड ओवरऑल आपके बॉडी के टेम्परेचर को कूल रखती है, इसलिए यू मस्ट हैव ठंडाई। टुडे आई एम मेकिंग दिस रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, तो इट्स एकदम द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ रिचनेस, स्वीटनेस, स्पाइसीनेस और जो भी ठंडाई में अच्छी चीज़ें होती हैं आपकी हेल्थ के लिए वो सब डाली हुई हैं इसमें। तो लेट्स मेक अ यमी रॉयल स्टाइल रियली टेस्टी ठंडाई। ये मेरे पास हाफ कप आमंड्स हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। कैश्यू और पिस्ताशियो का मिक्सचर, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और मेरे पास अराउंड सेम क्वांटिटी, मतलब आधा कप ही ये मगज के बीज हैं, वाटरमेलन सीड्स, मेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे है मेरे पास 2 टेबलस्पून खसखस या फिर पॉपी सीड्स। अगर आपके पास खसखस अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ठंडाई में ये ठंडक इंक्रीज करती है, तो अगर आपको खसखस मिल जाती है देन यू मस्ट ऐड इट। इसको हम पीस लेंगे, अच्छे से स्मूथ पाउडर में ग्राइंड कर लेते हैं। वन टेबल स्पून स्पाइसेस डालेंगे हम, तो लेट्स स्टार्ट विथ काली मिर्च। 1 टेबल स्पून ऑफ काली मिर्च, काली मिर्च आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और ठंडाई को एक स्पाइसी सा फ्लेवर देगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सौंफ। सौंफ बॉडी को गर्मी के टाइम कूलिंग इफेक्ट देती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लौंग। लौंग आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है और साथ में ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। और एंड में हम डालेंगे कुछ देसी गुलाब के पत्ते, यानी कि एडिबल रोज़ पेटल्स। अगर आपके पास एडिबल रोज़ पेटल्स नहीं हैं तो आप रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं या फिर आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं। बट एडिबल रोज़ इसको एरोमेटिक और फ्रेग्रेंट बनाता है ठंडाई को, और उसके अलावा आपके डाइजेशन को बहुत ही इम्प्रूव करता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब सीज़न चेंज होता है तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग टू ऐड इन एनी हेल्थ ड्रिंक। अब इसको, सारे स्पाइसेस को हम साथ में पीस लेंगे। थोड़ी सी इलायची विद स्किन, ये थोड़ी सी केसर हमने इसमें डाल दी। मेरे पास यहाँ पे सल्फर फ्री वाइट शुगर है, बट एक्चुअली ठंडाई की रेसिपी में मिश्री यानी कि रॉक शुगर पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि मिश्री आपके बैड ब्रेथ को कंट्रोल करती है और ऑल्सो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देती है बॉडी में, स्पेशली सौंफ के साथ। डाइजेशन के लिए भी मिश्री बहुत अच्छी होती है, बट बिकॉज मेरे पास शुगर है, प्लेन शुगर विदाउट सल्फर, मैं शुगर यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपके पास मिश्री है तो डेफिनेटली 1 कप मिश्री यानी कि रॉक शुगर को यूज़ करिए इसके जगह पे। ये चीनी मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ। ये पाउडर अब चीनी के साथ रेडी हो गया है। अब ये जो ग्राउंड पाउडर है ये हमने इस एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है और अब इसको हम फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं 2 महीने तक। और अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो 2 से 3 हफ्ते के बाद चेक कर लीजिएगा, बिकॉज़ फ्रिज में इसमें इतने सारे रिच इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 2 से 3 हफ्ते के बाद ख़राब हो सकता है। इसलिए इट्स बेटर कि 2 महीने तक आप इसको एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़र में स्टोर कर लें। एंड नाउ लेट्स मेक सम ठंडाई विद दिस। मेरे पास यहाँ पे 1 कप दूध है, सो आई एम जस्ट गोना ऐड दिस ताज़ा चिल दूध। मैं बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। सो आई एम जस्ट गोना ऐड 1 कप मिल्क टू दिस ठंडाई का ग्लास, और उसमें ये जो ठंडाई का पाउडर है 3 टेबल स्पून्स, सो रफली 45 ग्राम्स। 1, 2 और 3,
अब इसको मिक्स करने के लिए अगर आप चाहें तो स्टर कर सकते हैं, बट somebody told me कि अच्छी ठंडाई बनाने के लिए यू हैव टू ट्राई दिस रियली कूल ट्रिक. मुझे पता नहीं ये गिरेगा कि नहीं, बट ओके वाओ, इससे इसमें झाग भी बनता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है. तो ये ठंडाई रेडी हो गई है. इट्स रिच बिकॉज ऑफ द ड्राई फ्रूट्स, इट्स स्पाइसी क्योंकि इसमें काली मिर्च है, और ये बहुत ही मीठी है और इसका बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट है. इट्स परफेक्ट फॉर योर हेल्थ. तो लाइक द रेसिपी, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.